मैं एक एक लाइन बोलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। गवर्नेंस के मुद्दे पे सरकारी कामकाज को कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले रिश्वतखोरी बंद करेंगे। सबसे बड़ी बात, हमने घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जीरो कर दिया, खत्म कर दिया हम लोगों ने। दिल्ली में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी की एक पार्षद को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 10E से आपकी निगम पार्षद गीता रावत पर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप है। गीता रावत पर अपने ऑफिस के पास मूंगफली बेचने वाले के जरिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। छत बनाने की इजाजत देने के बदले 20,000 लेने के आरोप में गिरफ्तार। पंजाब से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटी करप्शन ब्रांच ने भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। विजय सिंगला पर ठेके में 1% कमीशन लेने के गंभीर आरोप है। तो एंटी करप्शन ब्रांच ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत मामले में घिरे दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन और उनके भाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। काम कराने के नाम पर मंत्री इमरान हुसैन के भाई और एरिया के इंजीनियर ने उनसे 30,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। याचिकाकर्ता ने कहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की एक और MLA सरिता सिंह पर 9,00,000 की ठगी का आरोप लगा। उन पर नौकरी के नाम पर घूस लेने और नौकरी नहीं दिलाने का आरोप है। सरिता सिंह पर आरोप आम आदमी पार्टी के ही एक नेता ने लगाया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के विवाद से जुड़े किस्से हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर सरकारी नौकरी देने के नाम पर ठगने और धमकी देने का आरोप लगा। पप्पू रोहिला नाम के शख्स ने केजरीवाल के विधायक पर कई संगीन इल्जाम लगाए।